नौकरी नहीं रही उसके पास, आधे महीने की तनख्वाह मिली है उसे, खुद ही नौकरी को लात मार कर आ गई है, पता नहीं अब क्या होगा। ध्यान से देख लो अपने परिवार वालों को। किस पे शक है आपको? मंदिर ने सबके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। बताइए किस पे शक है आपको सबसे ज्यादा? नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे आप? कर दी ना फिर से मूर्खों वाली बात। और ढीठ तुम भी किसी से कम नहीं हो, वो तुम्हारी आंखों के सामने सारा खेल है और तुम देखने से इनकार कर रही हो। और मत मानो, और मेरे ताऊ का क्या जाता है? मेरी एक बात सुन लो, मेरे काम के बीच में दखल मत देना। ऐसे केसेस सॉल्व करने में कभी कभी परिवार वालों के साथ सख्ती बरतनी पड़ती है, बस टांग मत अड़ाना। इंस्पेक्टर साहब, आप यहां? प्रैक्टिस कर रहा हूं भाई टुकड़े की। जब किडनैपर और उसका बॉस मिलेगा तो मन ने उसकी शक्ल बिगाड़नी है। क्या ना, वो कानून तो बहुत देर बाद फैसला सुनाता है। सुमेर सिंह अपना इंसाफ पहले ही कर देता है, स्टाइल है। ये पूछने आया शर्मा जी, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? शर्मा जी, मैं यहां पे केस सॉल्व करने आया हूं टीचर बन के। और अगर आपने ये बात किसी को बताई या इसका जिक्र किया तो फिर पंचिंग बैग की जगह आपकी शक्ल होगी यहां पे, समझे? हाँ, जाओ। जिस मकसद से आप यहां आए हो उसमें आपको कामयाबी मिले। आंसू लग रहे थे, क्रोकोडाइल टीयर्स। माता जी, मैं नाश्ते में ना दूध के साथ बादाम खाता हूं। बादाम? बादाम क्या होता है भाई साहब? गरीबों के चने। चने पकड़ा दे माता जी के हाथ में। कौन है भाई? धर्मेंद्र। मेरे घर में खड़े होकर मेरे से पूछ रहे हो मास्टर जी कौन हूं मैं? क्या कहते हो? मम्मी चिराग, इस घर का चिराग हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चल एक काम कर, मेरे लिए दूध और बादाम लेके आ। जा। ऊंचा सुनते हो क्या मास्टर जी? चिराग, चिराग बताया घर का, मुन्ना मन की बात करता है। और ठीक है, आप अभी भी आए हो, आपको मुन्ना की ताकत का अंदाजा नहीं है। दो चार दिन रहोगे ना सब समझ जाओगे। तो दो चार दिन रुकने की क्या जरूरत है, चल अभी ताकत देख लेते हैं। आजा दो दो बात करें। तो देखो ऐसा है कि मुन्ना कोई भी काम फालतूपन में तो करता नहीं है, दो दो बात करने हैं तो शर्त लगानी पड़ेगी। अगर आप जीत गए तो मैं कुछ भी कर दूंगा जो आप कहोगे, लेकिन अगर मैं जीत गया ना तो घड़ी पहन रखी ना आपने, मेरी हो जाएगी। मानी तेरी बात। ठीक है भाई, कट जाओ मम्मी साइड में। वाओ, मुन्ना भाई साहब और इस टीचर में कुश्ती, बहुत मजा आएगा देखने में।